इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से OH फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट टेस्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट देखा था, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया था। वहां हमने ये देखा था कि किस तरह से नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन को चेक किया जाता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप है तो उसको किस तरह से डिफरेंट टेस्ट की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के डिस्कशन को शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी OH ग्रुप आता है क्या सभी के सभी OH ग्रुप सेम होते हैं, या फिर OH ग्रुप को पहचान करने का कोई तरीका होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले ये देखा जाता है ये OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर मान लीजिए OH ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ऐसी ही कंडीशन में इस OH को हम एल्कोहलिक कहते हैं, यानी ये हमारे पास एल्कोहलिक OH कहलाता है या एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो OH है वो sp3 कार्बन से ना जुड़कर sp2 कार्बन से जुड़ता है तो ऐसी कंडीशन में हमको दो चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में जो ये OH फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इस कारण से ऐसी कंडीशन में इसे इनोलिक फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब इसे इनोलिक फंक्शनल ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिरा है ये sp2 सिरा है और ये एल्कीन का सिरा है और एल्कीन के लिए हम इन यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, एल्कीन से हमने इन ले लिया और एल्कोहल का हमने ओल ले लिया, तो इस तरह से हमारे पास एक ये इनोलिक फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए OH फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है बट इस वक्त जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन है, इसके सभी 6 कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, तो किसी भी इसके साथ हम एक OH ग्रुप को जोड़ लेते हैं। अब जब OH ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये sp2 कार्बन बेंजीन का है, ऐसी कंडीशन में इसको हम फिनोलिक OH कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिनोलिक OH कहते हैं। चूंकि इस कंपाउंड को फिनोल कहा जाता है इसीलिए इसके OH को हम फिनोलिक OH कह देते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन तरह के OH हमको डील करने पड़ते हैं। पहला OH एल्कोहलिक OH होता है जिसमें ये sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। दूसरा हमारे पास इनोलिक OH होता है जिसमें OH एल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। और तीसरा हमारे पास फिनोलिक OH होता है जिसमें OH बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता है। अब किसी कंपाउंड में एल्कोहलिक OH है या फिर इनोलिक या फिर फिनोलिक OH है, इन तीनों के OH को आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। और इन सभी रिएक्शन को समझने या स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अल्कोहल और फिनोल के ये जो टेस्ट हैं या ये जो रिएक्शंस हैं, इन सभी रिएक्शन को हम लोग प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप मैकेनिज्म को चेक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल और फिनोल की जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे उनका प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहलिक OH की। टेस्ट नंबर फर्स्ट, अगर एल्कोहल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बेसिकली ये एक एसिड बेस रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में सोडियम मेटल जो होता है वो बेस की तरह काम करता है और एल्कोहल के पास ये जो H होता है इसकी नेचर एसिडिक होती है और इस एसिड बेस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और इसमें एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए अगर इस रिएक्शन में R की जगह पर मिथाइल ग्रुप होता तो ये हमारे पास मेथिल एल्कोहल बन जाता और जब मेथिल एल्कोहल इस रिएक्शन को करता तो इससे हमारे पास मिथोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती। और इसी तरह से मान लो हमारे पास R की वैल्यू इथाइल होती तो ये हमारे पास इथाइल एल्कोहल होता और इस रिएक्शन में हमारे पास इथोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ये OH की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है? तो इसका आंसर ये है, ये OH की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट हमको ये बताता है कि जो हमारे पास कंपाउंड है या अननोन कंपाउंड जो है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी उसके पास कोई ना कोई ऐसी हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो टेस्ट है
ये किन किन कंपाउंड के थ्रू और पॉसिबल हो सकता है? ये सभी तरह के थायोल से पॉसिबल हो सकता है, इसी तरह से सभी तरह के 1 डिग्री अमीन और सभी तरह के 2 डिग्री अमीन से पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड और टर्मिनल एल्काइन के थ्रू भी पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सभी कंपाउंड में ये जो H होता है, ये H जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। यानी इस टेस्ट से हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टर था उसके पास कोई ना कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेकेंड नंबर का इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। चूंकि इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसको हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। अगर इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एब्रीवेशन की बात करें तो इसे हम केन भी कह सकते हैं, इसी कारण से इसको हम केन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में जब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यानी केन की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो नाइट्रिक एसिड साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अगर कलर के बेस पे बात करें तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यानी जो केन का कलर होता है ये येलो कलर होता है, और इस रिएक्शन में जब एल्कोहल के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो इसमें इसका जो कलर होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन में बनने वाला रेड कलर का सॉल्यूशन कुछ समय के बाद कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। अब इसके कलरलेस बनने में कितना समय लगता है ये उस एल्कोहल की नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एल्कोहल दिए गए हैं और उनके रिस्पेक्ट में कलरलेस सॉल्यूशन जो बनता है उनकी टाइम ड्यूरेशन दी गई है। जैसे पिनोकोल के केस में ये जो सॉल्यूशन कलरलेस बनता है वो केवल 5 सेकंड में बन जाता है, जबकि डाइफिनाइल कार्बिनोल के केस में इसको कलरलेस होने में 12 आवर्स लगते हैं, जबकि टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल के केस में ये जो टाइम है वो 48 आवर्स हो जाता है और एलाइलिक एल्कोहल के केस में 6 मिनट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है क्या हमको ये टाइम याद रखना पड़ेगा? तो इसका आंसर है इसको टाइम को याद करने की हमको जरूरत नहीं है, बट हम दो चीज़ें याद रख सकते हैं। अगर एल्कोहल के केस में बात करें और इनके टाइम के डेटा को देखें तो 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल के लिए टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जबकि टर्शरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल के लिए ये टेस्ट बहुत स्लो रेट से होता है। जैसे कि रिएक्शन को शुरू करते वक्त हमने मेंशन करा है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, और जब ये येलो कलर से रेड कलर के कंपाउंड में चेंज हो जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 हो जाती है। नंबर थर्ड, ल्यूकास टेस्ट। HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इस रिएजेंट को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं और इसकी हेल्प से हम एल्कोहल के डिग्री को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जबकि जो अभी हमने केन टेस्ट को देखा था वो एल्कोहल फैमिली का टेस्ट है, यानी केन टेस्ट से हम ये नहीं बता सकते हमारे पास कौन सी डिग्री का एल्कोहल है, जबकि ल्यूकास टेस्ट से हम इजिली बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सी डिग्री का एल्कोहल है। मान लीजिए हमारे पास एक एल्कोहल है और इस एल्कोहल की रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करवाते हैं। इस ल्यूकास रिएजेंट के थ्रू रिएक्शन होने पे इससे एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और साइड प्रोडक्ट इसमें वाटर बनता है। अब इस रिएक्शन में बनने वाला एल्किल क्लोराइड वाटर के साथ इमिसिबल होता है, और इमिसिबल होने के कारण जैसे ही दोनों बनते हैं तो रिएक्शन में टर्बिडिटी आना शुरू हो जाती है, और टर्बिडिटी आने के कारण रिएक्शन में जो धुंधलापन डेवलप होता है उसके बेस पे हम एल्कोहल की डिग्री का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटेल में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इस रिएक्शन में यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है उससे हम SN1 रिएक्शन की रेट निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है SN1 रिएक्शन में RDS स्टेप में बनता है, इसीलिए इसकी जो रेट होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी देखा है कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है अगर उसके ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, और सबसे लीस्ट इसमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए रिएक्शन जितना ज़्यादा आगे की डायरेक्शन में जाएगी उतना ज़्यादा RCl और वाटर बनेगा और उतनी तेज़ी से ही टर्बिडिटी डेवलप होगी, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो रेट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है। यानी जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो उतना फास्ट रिएक्शन देगा और उतनी जल्दी टर्बिडिटी डेवलप करेगा।
इसके बेस पे हम एक चीज और क्लियर कर सकते हैं कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उससे बनने वाला कार्बोकैटायन लीस स्टेबल होता है। इसी कारण से जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो या तो बहुत ज्यादा पुअर रिएक्शन देते हैं या रिएक्शन ही नहीं दे पाते। अब अगर इसके टेस्ट के रिजल्ट को समराइज किया जाए तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उससे टर्बिडिटी बहुत ज्यादा स्लो होती है। ये इतनी स्लो होती है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे टर्बिडिटी या रिएक्शन ही नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा देखा गया है ऐसी टर्बिडिटी डेवलप होने में 1 डिग्री अल्कोहल 30 मिनट से ज्यादा समय ले लेता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, 2 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ 5 से 10 मिनट के बीच में टर्बिडिटी को डेवलप कर लेता है, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है इंस्टेंट यानी 5 से 10 सेकंड के बीच में ही टर्बिडिटी को डेवलप कर लेता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ये नोट करनी है, चूंकि लुकास रिएजेंट का जो मैकेनिज्म होता है वो SN1 मैकेनिज्म होता है, और अगर हमारे पास डिफरेंट अल्कोहल दिए गए हैं तो हमको डिग्री ऑफ अल्कोहल को ध्यान में ना रखकर उनके बनने वाले कार्बोकैटायन को देखना है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ 2 अल्कोहल दिए गए हैं, ये अल्कोहल इसलिए है क्योंकि OH जो है बेंजीन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, OH ग्रुप जो है CH2 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए अल्कोहल है। अगर यहाँ CH2 ग्रुप ना होता और OH यहाँ डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा होता तब ये फिनोल हो जाता और फिनोल कभी भी स्ट्रेस को नहीं दे पाता। यानी कि एक हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है, दूसरा हमारे पास मेथनॉल है, कहने को दोनों ही हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, और इस कारण से इसकी जो रेट होती है अगर डिग्री के हिसाब से बात करें तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। बट जैसा कि अभी हमने मेंशन किया कि हमको OH ग्रुप को रिमूव करके उससे पर्टिकुलर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करनी चाहिए, जब इसका OH ग्रुप हटाएंगे तो इससे इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा। इसी तरह से मेथिल अल्कोहल से OH ग्रुप को हटाने के बाद ही कार्बोकैटायन बनेगा। अगर इन दोनों कार्बोकैटायन को GOC के बेस पे स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें तो ये जो कार्बोकैटायन होता है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि GOC में हमने देखा था कि बेंजाइल कार्बोकैटायन यानी बेंजीन के जस्ट आगे वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसा कार्बोकैटायन बेंजाइल कार्बोकैटायन कहलाता है, और इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बेंजीन के प्लस M के कारण इंक्रीज हो जाती है। इसी कारण से इन दोनों में ये कार्बोकैटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होने के कारण अगर हम इसकी टर्बिडिटी की या रेट की बात करें तो लुकास रिएजेंट में ये अल्कोहल जो होगा फास्ट रिएक्शन देगा। फास्ट रिएक्शन का मतलब ये है कि ये जो अल्कोहल होगा बहुत जल्दी इंस्टेंट टर्बिडिटी को डेवलप कर लेगा। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास ये 2 तरह के बेंजाइल अल्कोहल दिए गए हैं, अगर इसमें टर्बिडिटी की बात की जाए या लुकास टेस्ट की बात की जाए तो इसमें इस अल्कोहल का जो लुकास टेस्ट आता है वो फास्ट आएगा, यानी ये जो अल्कोहल होगा इसके कंपैरिजन में बहुत जल्दी टर्बिडिटी डेवलप कर लेगा। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, OH ग्रुप को रिमूव करके कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इन दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर करेंगे। इन दोनों कार्बोकैटायन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और GOC के अकॉर्डिंग जब मिथॉक्सी ग्रुप को हम डील करेंगे तो ये अपना यहाँ पे प्लस M इफेक्ट शो करेगा, और इस कारण से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। अगर इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इसका मतलब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल होगा वो बहुत फास्ट टर्बिडिटी देगा, और इसलिए इन दोनों में लुकास टेस्ट में फर्स्ट अल्कोहल की टर्बिडिटी जो होती है इंस्टेंट आ जाती है। फोर्थ नंबर का इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है विक्टर मेयर टेस्ट। यहाँ पर विक्टर मेयर टेस्ट के रिएक्शन सीक्वेंस दी गई है। अब इस सीक्वेंस को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस I2 के साथ करवाते हैं। ये एक SN2 रिएक्शन होती है जिसमें आइडो एल्केन की फॉर्मेशन होती है, और आइडो एल्केन की रिएक्शन अब इसमें सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं। अगेन ये SN2 रिएक्शन होती है और इसमें नेट्रो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस नेट्रो एल्केन की डाई एजोटाइजेशन जैसी रिएक्शन को प्रोसीड करा जाता है। इसमें नाइट्रस एसिड और HCl लिया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की तरह ही होता है, और इस रिएक्शन में नाइट्रोलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब इस नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन फाइनल स्टेप में NaOH के साथ करवा जाती है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली इस रिएक्शन में यहाँ का जो एसिडिक एच होता है वो इस बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका सोल्ट का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। अब बात करते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन इसी सीक्वेंस में होती हुई स्यूडो नेट्रोल की फॉर्मेशन करता है, और लास्ट स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन करके इससे बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो NaOH में इनसोल्युबल रहता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल से बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट के कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। अब हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की। टर्शरी अल्कोहल इस रिएक्शन की सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ इसमें नाइट्रो एल्केन बना लेता है, और नाइट्रो एल्केन की
अगेन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती है, चूंकि यहां पर एच एब्सेंट होता है इसलिए नाइट्रस एसिड इसके साथ किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं दे सकता। अब इस कंप्लीट विक्टरमेट टेस्ट के बेस पे डिफरेंट एल्कोहल क्या क्या कलर देते हैं उसको हमको मेमोराइज करना है। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल जो है इस पूरी रिएक्शन सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ रेड कलर के कंपाउंड या सोल्ट की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से 2 डिग्री एल्कोहल इस रिएक्शन सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ इनसोल्युबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है जो कि ब्लू कलर का होता है। और इसी तरह 3 डिग्री एल्कोहल की इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाती। अब बात करते हैं अगर कंपाउंड में फिनोलिक ओएच प्रेजेंट हो, यानी ऐसा ओएच प्रेजेंट हो जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इसको किस किस टेस्ट की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको समझते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर फिनोल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो इसकी रिएक्शन बिल्कुल एल्कोहल की रिएक्शन के पैरेलल होती है। इस रिएक्शन में सोडियम बेस की तरह काम करता है और फिनोल का ये एसिडिक हाइड्रोजन एसिड की तरह काम करता है, और इस एसिड बेस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और वहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट एल्कोक्साइड बना था। चूँकि यहाँ फिनोल है इसलिए इस प्रोडक्ट को हम फिनोक्साइड कह देते हैं। यहाँ पे हमको एक बात बहुत अच्छे से ये समझनी है कि सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्शन इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं है कि हमारे पास फिनोलिक ओएच प्रेजेंट है। हाँ, डेफिनेटली इस चीज़ का इंडिकेशन जरूर है कि हमारे पास जो भी अननोन कंपाउंड था उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। नंबर सेकेंड, अगर लिटमस पेपर टेस्ट की बात करें, चूंकि फिनोल की नेचर एसिडिक होती है इसलिए ब्लू लिटमस पेपर को फिनोल रेड कलर में चेंज कर देता है। नंबर थर्ड, फिनोल के साथ केन टेस्ट को भी किया जा सकता है। अभी हमने देखा था कि जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है वो येलो कलर का होता है और एल्कोहल के साथ ये टेस्ट करके रेड कलर के कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है ये फिनोल के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और फिनोल के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है जिसका ब्राउन ब्लैक कलर होता है। नंबर फोर, इसी तरह से न्यूट्रल एफिसियल थ्री भी फिनोल के साथ रिएक्शन देता है, और जब फिनोल और न्यूट्रल एफिसियल थ्री की आपस में रिएक्शन करवाई जाती है तो एक कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसे हम फेरिक फिनोक्साइड कहते हैं और ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड होता है। नंबर फाइव, फिनोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट यूज किया जाता है। इस रिएक्शन के कंप्लीट मैकेनिज्म को हम डिटेल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान स्टडी कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग इसके सिर्फ रूट को ही फोकस करेंगे, यानी इसके रिएक्शन की सीक्वेंस को फोकस करेंगे और उसमें कौन कौन से कलर डेवलप होते हैं उसको समझेंगे। लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में फिनोल की रिएक्शन नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम करवाई जाती है। H2SO4 की जगह पर हम HCl या एसिडिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में हमने ऐसा देखा है कि जो नाइट्रस एसिड और डायल्यूट H2SO4 या एसिडिक मीडियम में NaNO2 जो होता है एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करता है, और इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है जो कि नाइट्रोसोनियम इंटरमीडिएट कहलाता है। चूंकि इसमें फिनोल का जो OH होता है अपने प्लस M के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है, और कभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर अगर प्लस M के थ्रू होता है तो ऐसी कंडीशन में पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्थो से ज़्यादा बनता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना है वो इस रिंग पे अटैक करता है क्योंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये फिनोल की रिंग न्यूक्लोफाइल की तरह काम करती है और ये इलेक्ट्रोफाइल इस फिनोल की पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ जाता है जिससे हमारे पास पैरा नाइट्रोसो फिनोल की फॉर्मेशन होती है। अब इस कंपाउंड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि ये कंपाउंड टोटोमराइज हो जाता है और यहाँ से इस तरह से ये टोटोमराइज होकर एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें ये जो H होता है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है। अब बनने वाली इस कंपाउंड की रिएक्शन H2SO4 के साथ होती है। इस रिएक्शन में H2SO4 H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन डोनर होता है। अब ये H पॉजिटिव क्या करता है, यहाँ से OH का प्रोटोनेशन कर देता है जिससे यहाँ से इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के कारण इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है, यानी इससे एक नए इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो जाती है। अगेन यहाँ पे फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है और पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, इसलिए अभी इलेक्ट्रोफाइल फिनोल की पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है जिससे हमारे पास एक इंडोफिनोल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अगर इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये नोट करनी है, जो इंडोफिनोल कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल कंडीशन में रेड कलर का होता है जब इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं। चूंकि इंडोफिनोल में यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो बेस के थ्रू रिएक्शन करके यहाँ पर सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, इंडोफिनोल सोल्ट कंडीशन में
अपना कलर ब्लू रखता है, यानी कि हमको फिनोल के लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले इसमें न्यूट्रल इंडोफिनोल बनता है जिसका रेड कलर होता है, और जब इंडोफिनोल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इससे इसके सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। अब ये ब्लू कलर का सोल्ट होता है। इसी तरह से फिनोल के आइडेंटिफिकेशन को हम एजो डाई टेस्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसे हम डाई टेस्ट या फिर एजो डाई टेस्ट कहते हैं। इसके कंप्लीट डिटेल मैकेनिज्म को हमने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के दौरान डिस्कस किया है। इस डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में सबसे पहले सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन HCl के साथ होती है, जिससे नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन होती है, और नाइट्रस एसिड एसिडिक मीडियम में डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करता है, जिससे एनिलीन जो होती है वो इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में या इस टेस्ट के फर्स्ट स्टेप में हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी होती है। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। इसको केवल 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करते हुए स्टेबल रखा जाता है। जब हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सिंथेसाइज हो जाता है तब इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करवाते हैं। इस रिएक्शन में पीएच का स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है और पीएच को 9 से 10 के बीच में मेंटेन किया जाता है। अगेन ये जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है तो बेसिकली इससे एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है। अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को देखें तो यहाँ से इसमें Cl रिलीज हो जाता है और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। चूंकि इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ हो रही है और फिनोल अपने OH के लोन पेयर के कारण प्लस M की तरह एक्ट करता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है जिसमें से जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बनता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इस फिनोल की पैरा पोजिशन के साथ जुड़ जाता है और जो कंपाउंड बनता है इसमें एजो ग्रुप के प्रेजेंस के कारण शार्प कलर डेवलप हो जाता है। इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है और इस कंपाउंड को हम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। इस कंपाउंड को डाई की तरह यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम डाई टेस्ट कह सकते हैं। क्योंकि इसमें एजो ग्रुप होता है इसीलिए इस टेस्ट को हम एजो डाई टेस्ट कहते हैं। फिनोल या उसके डेरिवेटिव के आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है थैलिन टेस्ट। अगर इस टेस्ट की सीक्वेंस की बात की जाए तो इसमें एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है जिसमें फिनोल के साथ थैलिक एनहाइड्रेट को ले लिया जाता है। अब इसमें कुछ ड्रॉप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के डालते हैं। चूंकि इस रिएक्शन को हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा डिटेल में स्टडी किया है, चूंकि ये एक AS रिएक्शन होती है तो H2SO4 की जगह पे हम कोई लुइस एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस रिएक्शन में हम ZnCl2 और HCl भी यूज़ कर सकते हैं। अब रिएक्शन को हीट करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए कूल कर लेते हैं और फिर साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं जिसमें 10% NaOH का सॉल्यूशन ले लेते हैं और जो हमने अभी रिएक्शन करी है इस टेस्ट ट्यूब को इस NaOH के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब जो कलर डेवलप होता है वो पर्टिकुलर फिनोल डेरिवेटिव के लिए स्पेसिफिक कलर होता है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। इस रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्रेट के साथ होती है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो थैलिक एनहाइड्रेट होता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और दोनों फिनोल इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल फिनोल की पैरा पोजिशन पर अटैक करता है, जिससे इस मॉलिक्यूल में दोनों फिनोल के पैरा से H और इस थैलिक एनहाइड्रेट का O रिमूव हो जाता है। यानी इस रिएक्शन में जो वाटर होता है वो साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिससे फिनोफ्थलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर फिनोफ्थलिन के कलर की बात की जाए तो इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। फिनोफ्थलिन की बेस के साथ डिफरेंट कलर डेवलप होते हैं। इस फिनोफ्थलिन की स्ट्रक्चर को हम 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं बेस के साथ इसके डिफरेंट कलर की। फिनोफ्थलिन की बेसिक मीडियम में बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण डिफरेंट कलर की फॉर्मेशन होती है। इनके कलर को समझने के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पर 1 नंबर जो है हमने फिनोफ्थलिन को माना है, क्योंकि फिनोफ्थलिन का सिंथेसिस एसिडिक मीडियम में हुआ है और फिनोफ्थलिन एसिडिक मीडियम में हमेशा कलरलेस सॉल्यूशन रखता है और जैसे ही इसकी NaOH के साथ रिएक्शन होती है फिनोफ्थलिन का यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू यहाँ का H जो होता है वो फिनोल के थ्रू एब्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब ये जो हमारे पास बेंजीनोइड स्ट्रक्चर होती है वो क्यूनोइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। बेंजीनोइड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसमें तीनों रिंग जो है वो बेंजीन को मेंटेन किए हुए हैं, बट जैसे ही इसमें फिनोक्साइड बनता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव करता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें एक रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर लेता है और ये जो रिंग होती है वो क्यूनोइड कहलाती है। यानी कि बेसिक मीडियम में जो फिनोफ्थलिन की बेंजीनोइड रिंग थी वो क्यूनोइड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और इस क्यूनोइड रिंग का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये समझ में आई कि फिनोफ्थलिन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है।
चूंकि फिनोफ्थिलीन के सिंथेसिस में हमने दो फिनोल यूज किए हैं, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये एनओएच जो है यहाँ के एच को एब्सट्रैक्ट ना करके इस ओएच के एच को एब्सट्रैक्ट कर ले। तो एनओएच जब इस ओएच के एच को एब्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से फिनोक्साइड बन जाएगा। अब ये जो फिनोक्साइड है इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के थ्रू इसकी एक सेकेंड आरएस की ओर फॉर्मेशन कर देता है। चाहे NOH फिनोफ्थिलीन के इस H को एब्सेप्ट करे आइदर इस H को एब्सेप्ट करे, इसकी जो बेंजोनोइड स्ट्रक्चर होती है वो क्यूनोइड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, और इस क्यूनोइड स्ट्रक्चर के कारण ही फिनोफ्थिलीन का बेसिक मीडियम में रेड कलर होता है। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमको ये नोट करनी है कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन कंडीशन मेंटेन करी तो इसके कारण क्या होगा कि इस फिनोफ्थिलीन का ट्राई सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी इन तीनों जगह पर सोडियम मेटल आ जाएगा, और ट्राई सोडियम सॉल्ट बनने के कारण इसका जो कलर होगा ये कलरलेस हो जाएगा। अभी कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो क्यूनोइड स्ट्रक्चर बनी थी जिसके कारण कलर डेवलप हुआ था वो वापस बेंजोनोइड स्ट्रक्चर में चेंज हो गई है। तो तीन चीज़ों को आपको दोबारा मेमोराइज करना है। पहली चीज़ तो ये जो फिनोफ्थिलीन है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होती है, बेसिक मीडियम में इसका कलर क्यूनोइड स्ट्रक्चर के कारण रेड कलर का होता है, और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन कंडीशन में ट्राई सोडियम सॉल्ट बनने के कारण इसका अगेन जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि इसकी जो क्यूनोइड स्ट्रक्चर बनी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वापस बेंजोनोइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसा कि इस टेस्ट के प्रोसीजर में हमने डिस्कस किया था, जब रिएक्शन के मिक्सचर को 10% NOH के सॉल्यूशन में हम डाल लेते हैं तो डिफरेंट फिनोल डिफरेंट कलर देते हैं। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का कलर रेड डेवलप हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास फिनोल या ऑर्थो क्रिसोल था। अगर ब्लूइश पर्पल कलर डेवलप हो रहा है तो मेटाक्रिसोल था। पैरा क्रिसोल के समय कोई कलर डेवलप नहीं होगा, कैटेकोल के समय ब्लू कलर, अल्फा नेफ्थोल के समय ग्रीन कलर, और रिसोर्सिनोल के समय ग्रीन फ्लोरिसेंट कलर डेवलप हो जाता है। इसी तरह हाइड्रोक्विनोन के वक्त इसका डीप पर्पल कलर डेवलप होता है। नंबर 8 ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये टेस्ट उन फिनोल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जो वाटर सोल्यूबल फिनोल होते हैं। इसमें फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ करवाई जाती है। इस रिएक्शन में फिनोल का ब्रोमिनेशन होता है और यहाँ से एक Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनकर फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर चला जाता है, जिससे हमारे पास ट्राई ब्रोमो फिनोल की फॉर्मेशन होती है। अगर टेस्ट के रिस्पेक्ट में कलर की बात करें तो इस रिएक्शन में जो Br2 यानी ब्रोमीन का कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है, और इस रिएक्शन में ब्रोमीन जो है कंज्यूम हो जाती है, इसलिए उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है या ये सॉल्यूशन जो है वो डीकलराइज हो जाता है, और इसमें ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन होती है जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब ये रिएक्शन यहाँ पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे क्यों हुई और वाटर का क्या रोल रहता है, इन सभी को हमने ब्रोमीन वाटर की जो रिएक्शन है, फिनोल की जो रिएक्शंस हैं, उसमें डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो गाइज, आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि एल्कोहलिक OH और फिनोलिक OH को किस तरह से डिफरेंट टेस्ट की हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।